अस्सलामुअलैकुम। आज मैं इस वीडियो में आपको इंजन ऑयल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा। सबसे पहले मैंने अक्सर लोगों को ये देखा है कि जो खैबर में लोग ऑयल फिल करवाते हैं वो 3 लीटर ऑयल फिल करवाते हैं। तो मैं आपको यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि इस गाड़ी का जो ऑयल चैम्बर है वो 3.5 लीटर का है। तो अगर आप 3 लीटर ऑयल फिल करवा रहे हैं तो आप इंजन ऑयल को लो लेवल पर रखें, जिससे आपके इंजन की लाइफ कम होती है। अगर आप ईटीपी स्ट्रिप देखें तो इसके ऊपर जो ये सेकेंड पॉइंट है, इंजन ऑयल यहाँ तक होना चाहिए। अगर ये इससे नीचे है तो उसका मतलब आपका इंजन जो है उसमें ऑयल कम है और आपके इंजन की जो लाइफ है उसका आप शॉर्ट कर रहे हैं। इंजन ऑयल के इंजन में बेसिकली दो काम होते हैं, तो वो इंजन को लुब्रिकेट कर रहा होता है, सेकेंडली वो इंजन को कूल डाउन भी कर रहा होता है। अब आप लोग ये कहेंगे तो वाटर कूल्ड इंजन है, बेशक ये वाटर कूल्ड इंजन है, लेकिन अगर आप देखें रेडिएटर के जो पाइप्स हैं, जो होल पाइप्स हैं, वो बेसिकली इसके इंजन ब्लॉक को जो है उसको कूल डाउन कर रहे होते हैं, क्योंकि उसमें कंबशन हो रहा होता है, जिसकी वजह से वो बहुत रैपिडली और बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ होता है टेम्परेचर उसका। तो उसको कूल डाउन करने के लिए ये वाटर कूलेंट के ज़रिए इसको ब्लॉक के टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है। लेकिन जो इसका इंजन है और जो इसका हेड है गाड़ी का, इसकी जो कूलिंग का जो प्रोसेस कंटिन्यू हो रहा होता है वो बेसिकली इंजन ऑयल से कंटिन्यू हो रहा होता है। अगर आप इंजन ऑयल लो रखेंगे तो इसका हेड जो है वो ओवर हीट हो जाएगा, और क्योंकि अगर आप ये देखें जो इसका फ्यूल इंटेक मैनिफोल्ड है वो हेड से कनेक्टेड होता है हर गाड़ी का। जब हेड ओवर हीट हुआ होता है तो जो फ्यूल मिक्सचर जब आपके उसमें सिलेंडर्स में जाता है वो रास्ते में हीट की वजह से पेट्रोल का है कि वो गर्मी में एवोपरेट होता है, तो वो रास्ते में एवोपरेट हो जाता है, जिसकी वजह से कार्बोरेटर को एक्स्ट्रा फ्यूल पर्च करना पड़ता है, जिससे आपकी गाड़ी का जो फ्यूल एवरेज है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो कोशिश ये करें कि इंजन ऑयल जो है इसको सेकेंड लेवल तक रखें डिपेस्टिक के। अब इसका तरीकाकार मैं आपको बताता हूँ फिल करने का क्या है। जब आप गाड़ी को, एक और चीज़ मैं आपको यहाँ वाजे कर दूँ, असल में कॉन्सेप्ट ये है कि इंजन पुराना है तो ये इंजन ऑयल जो है इंजन खाएगा, और नया इंजन जो है वो इंजन ऑयल को बर्नआउट नहीं करता। कोई भी इंजन हो, चाहे वो नया इंजन हो चाहे पुराना इंजन हो, सम पार्ट ऑफ ऑयल जब आप गर्म टेम्परेचर में गाड़ी रन कर रहे होते हैं वो बर्नआउट होता है। तो उसको आप रेगुलरली चेक इन रखें और उसको फिल करते रहें। फिल करने का तरीका ये है कि आप थोड़ा थोड़ा ऑयल करके हमेशा फिल करें। कोशिश ये करें कि सेकेंड लेवल से ऑयल ऊपर ना जाए, क्योंकि अगर ज़्यादा ऊपर आपने कर दिया तो वो सीलिंग ही गाड़ी की जो है वो लीक कर जाएंगी। इंजन ऑयल थोड़ा थोड़ा फिल करने का तरीका होता है, आप इंजन ऑयल इसमें कैप में डालें और 7 मिनट के लिए गाड़ी को छोड़ दें। 7 मिनट के बाद दोबारा डिपस्टिक निकाल के चेक करें तो आपको ये एक्यूरेट पोजिशन पर चल जाएगी कि इंजन ऑयल सब कहाँ स्टैंड कर रहा है। क्योंकि जब आप इंजन ऑयल डालते हैं तो फौरन वो इंजन में नीचे ऑयल चैम्बर में नहीं पहुँच पाता, उसको तकरीबन 7 से 8 मिनट लगते हैं पहुँचने के लिए। तो जब भी ऑयल इसमें रिफिल करें, पूरा करें, तो उसका तरीका ये है कि आप थोड़ा सा ऑयल डालें और 7 मिनट के लिए गाड़ी को छोड़ दें। 7 से 8 मिनट के बाद दोबारा आके चेक कर लें, फिर अगर रिक्वायरमेंट हो फिर थोड़ा सा ऑयल डाल दें, उस तरह से आप फुल कर लें। अब मैं आपको ये बताता हूँ इंजन ऑयल आपकी गाड़ी का फ्यूल एवरेज जो है उसको कैसे मेंटेन कर रहा होता है। जब आपकी गाड़ी का इंजन ऑयल कम हो जाता है, जो ऑयल पंप जो इसके पिस्टन्स को लुब्रिकेट कर रहा होता है, पिस्टन रिंग्स को लुब्रिकेट कर रहा होता है, जब ऑयल लेवल कम होता है हेड के साथ साथ इंजन भी ओवर हीट होने लगता है, और जो आपका पिस्टन है और जो रिंग्स हैं उस तक वो लुब्रिकेशन नहीं पहुंच पाती और वो कूल डाउन नहीं कर पा रहा होता इंजन को। तो कोशिश ये करें कि इंजन ऑयल को पूरा रखें, नई या पुराने इंजन से इस चीज़ का मैटर नहीं है, नए इंजन भी ऑयल को बर्नआउट करते हैं, पुराने इंजन भी ऑयल को बर्नआउट करते हैं। सेकेंड, ये जो ये एयर फिल्टर बॉक्स के ऊपर जो इंटेक होस लगा हुआ है, अगर आप ये देखें तो ये बिल्कुल लेफ्ट साइड की हेड लाइट के ऊपर आया हुआ है और यहाँ से ये एयर इंटेक दिया हुआ है। मैंने अक्सर गाड़ी में देखा ये होस ही नहीं होता। गाड़ी को जो एयर फ्यूल मिक्सचर है, इंजन को जो एयर चाहिए होती है बर्न करने के लिए फ्यूल मिक्सचर को, वो कोल्ड एयर चाहिए होती है। हॉट एयर जब आप गाड़ी में इंटेक, जब आप इसका ये मैनिफोल्ड लगाते हैं तो इंजन की हीट से जो इंजन हीट हो रही होती है, यहाँ पे गर्म एयर जब आप ये इंटेक करता है आपका कार्बोरेटर, तो उसमें जो फ्यूल होता है वो प्री एवोपरेट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि गर्मी में फ्यूल वैसे ही एवोपरेट होता है। तो और अगर आपका हेड भी ऑयल भी कम है, आपका यहाँ से एयर भी इंटेक भी गर्म एयर का जा रहा है, तो गाड़ी का फ्यूल एवरेज इससे डिस्टर्ब होता है, गाड़ी आपके अच्छा एवरेज नहीं देगी और गाड़ी बहुत ज़्यादा घुट के चलेगी और ओवरहीट चलेगी। तो ऑयल लेवल पूरा रखें और इंटेक होस जो है इस पाइप को कनेक्टेड रखें, ताकि जो ये कोल्ड एयर है ये इसको इंटेक करें, उससे आपको मेजर डिफरेंस फील होगा गाड़ी की आइडलिंग में भी और गाड़ी के फ्यूल एवरेज में भी। अब यहाँ अक्सर लोगों का एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि अगर इंजन ऑयल जल्दी काला हो रहा है तो इंजन ऑयल अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। बेसिकली जो इंजन ऑयल जल्दी काला हो रहा है, जो कार्बन डिपॉजिट्स को जल्दी अब्सॉर्ब कर रहा है, वो उतना एफिशिएंटली परफॉर्म कर रहा है। अगर आपका इंजन आप सर्टेन टाइम के बाद देखें कि वो इंजन ऑयल काला नहीं हो रहा, उसका मतलब आपका जो इंजन ऑयल है वो आपके इंजन के साथ मैच नहीं कर रहा, वो कार्बन डिपॉजिट्स को एब्जॉर्ब ही नहीं कर रहा, उससे आपके इंजन की सिर्फ लाइफ शॉर्ट होगी। वो आपकी गाड़ी के में वो लुब्रिकेशन और जो काम है उसका कार्बन डिपॉजिट्स को एब्जॉर्ब करे, वो प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, तो इंजन की आपका ज़ाहिर बात है वर्न ऑफ होकर जल्दी इंजन अपनी लाइफ
जो है वो ख़त्म हो जाएगी उसकी। दूसरी चीज़ जो नॉर्मली अगर आप कैल्टेक्स का या शेल का जो मिनरल ऑयल यूज़ करते हैं, इसकी 5,000 किलोमीटर की लाइफ होती है, लेकिन कोशिश ये करें कि इसको 4,000-4,500 किलोमीटर के ऊपर ऑयल को चेंज कर दें, क्योंकि गर्म इन्वायरमेंट है। पाकिस्तान में मोस्टली जो टेम्परेचर रहता है वो 34 से 38, अब तो कराची में भी 40 टेम्परेचर रह रहा है। जब आप गर्म इन्वायरमेंट में इंजन ऑयल को यूज़ कर रहे होते हैं तो उसको पूरा 5,000 की लाइफ में मत चलाएं, 4,000-4,500 के ऊपर ऑयल चेंज कर दें, उससे आपके इंजन की लाइफ डबल हो जाएगी और आपको जो है गाड़ी जो है आपकी बेहतर कूलिंग परफॉर्मेंस पे रहेगी, बेहतर परफॉर्म करेगी एवरेज वाइज भी और पिक वाइज भी। और इंजन की विस्कोसिटी से रिलेटेड थर्ड मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इंजन की जैसे नॉर्मली जैसे इन गाड़ियों में पुराने इंजन में 20-50 ही ऑयल यूज़ किया जाता है क्योंकि गर्म इन्वायरमेंट है, लेकिन बेसिकली जो इसका स्टैंडर्ड है वो आउटसाइड टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेड होता है। अगर आप ठंडे इन्वायरमेंट में तो फिर आप 20-50 ऑयल विस्कोसिटी का ऑयल यूज़ नहीं करेंगे, फिर आप 1040 यूज़ करेंगे या 530 यूज़ करेंगे, वो आपके आउटसाइड टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है इंजन ऑयल की विस्कोसिटी। वैसे तो यहाँ पे गर्म इन्वायरमेंट है 20-50 बहुत सूटेबल ऑयल रहता है, लेकिन अगर आप ठंडे इन्वायरमेंट में हैं तो उसके लिए फिर आप 20-50 यूज़ ना करें, 10-40 या 5-30 यूज़ करें। मैं आपको इसके वीडियो के एंड में पूरा उसका एक चार्ट जो है वो अपलोड कर दूंगा, जिससे आपको बेहतर तौर पर आइडिया हो जाएगा कि किस टेम्परेचर में किस विस्कोसिटी का ऑयल यूज़ करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया।